अस्सलामुअलैकुम। दिन के 5 बज चुके हैं, जरा तबीयत आई नासाज रही है। तो है भी वैसे इतवार का दिन, तो आज रेस्ट किया है, लेट गई। ये देखें ना, अब ये तैयारी के मराहिल में, तो कैसा ज़बरदस्त तरीके से ये हवाना बना रही है। ये जो इस तरह की बकरियां होती हैं ना जी, ये डेयरी का मुस्तकबिल होती है। ये वो कहते हैं कि थोड़ा लद सवेरे आ ये वो सूरत हाल है। ये जो बकरियां ना, ये बकरियां होती हैं बहुत कद काठ वाली, बड़ी हैवी, और उनके बड़े मसले होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये डेयरी के हवाले से देर पा चीज़ है। ये आपको पाकिस्तानी लोकल मार्केट में आसानी से ये बकरियां मिल भी जाती हैं। मतलब आपको ये बकरी मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख के बीच में मिल जाएगी, इस तरह की। हो सकता है इससे सस्ती भी मिल जाए। इस तरह की बकरी लेने जाएंगे ना आप, ये जो, तो ये आपको मिलेगी 3-4-5 लाख तक तकरीबन। हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 2-2.5 में भी मिल जाए, लेकिन इतने की नहीं मिलती है। तो बकरियों में क्योंकि काम ही डेयरी का होता है, ये याद रखें। अगर आप डेयरी की नीयत से ये काम शुरू करेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप इसमें ना चल पड़ेंगे। मतलब कि अपनी जो रास्ता है ना, उसको सेट सही करें। जब आगाज़ अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे हो जाता है ना, तो फिर अंजाम भी अच्छा ही होता है। डेयरी का जहन में रख के सोचें, उसी पे काम करें। और ये जो साइज़ है ना, ये बकरियां जेल में रखें, जिसम खुला हो, चारा चगला खुला हो, हवाना शानदार बनावट का हो, थान जो है ना, जितने ज़्यादा छोटे हों उतना ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, जैसे टेरी टाइप बकरियां होती हैं ना, ये वो चीज़, तो पूरी दुनिया में डेयरी के लिए यही चीज़ इस्तेमाल होती है। ये आई जैसे वो बकरी खड़ी है, तो इस पे अगर आप रहेंगे ना, तो यकीन करेंगे आप जो है ना, बड़े परफेक्ट रहेंगे। इनमें कम खाती हैं, ज़्यादा दूध देती हैं, थाने वाने के मसाइल बहुत कम होते हैं, और छोटी हड्डी देर पर हड्डी होती है। मतलब जैसे घोड़ों में होता है ना, छोटी गुट्टी के घोड़े होते हैं, देर पर होते हैं, मुठ्ठे नहीं बैठते। तो इस तरह इनमें भी, ये देखना है, ह्यूज हैवी बकरियाँ हैं। ये देखें कितने कितने बड़े पाए हैं। ये टांग का साइज़ देखें, ये मेरे हाथ में नहीं, ये टांग है, ये इतनी बड़ी है। ये चीज़ बेहतरीन है। इसलिए हमेशा ऐसी बकरियां रखें। ये आपको मैं 7 साल बकरियां रखने के बाद ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ। सस्ती मिल जाएंगी, देर पा चलेंगी, दूध ज़्यादा देंगी, तो कम खाएंगी। अदनान साहब जनाब तशरीफ़ लेके आ गए हैं। बायोफ्लक सिस्टम की जिम्मेदारी इनकी लगाई थी कि फिजिबिलिटी बना के लेके आए, तो फिजिबिलिटी बायोफ्लक की बना के लेके आए हैं। डॉक्टर साहब भी खड़े हैं जनाब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बकरियां जो है ना, सारी वो 6-6 बच्चे देंगे। उनका तो शुरू कर रहे हैं मिल्किंग स्टैंड का बनिया देते हैं ना, सिर्फ जाली लगनी है ना, जाली लगनी है, तो मशीन चेंज होनी है। चलो सुबह इन्होंने सच फीड पाई थी, खा के मैं लगता दोबारा फिर किसी ने पाई है। इनकी फीड भी आ गई है, दूध पीता है, दूध इन्होंने पिलाया है, चेंज हो रहे हैं ना, 2 टाइम पंजीरे किन्ने बन गए पंजीरे किन्ने बन गए हूं तक, सब ठीक पंजीरे हूं तक किन्ने बन गए
ਉਹਨੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਸੀ ਜਾਨ ਛੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਪਿੰਜਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ये पार्टीशन लग गई अभी इधर सारी ये भी सारी पार्टीशन मुकम्मल होगी अब बस ये पिंजरे ही लगने हैं इधर ये पड़े हैं एक ये पड़ा हुआ है पता नहीं यहाँ पे कितने दस को तो लाजमी आ जाएंगे ज़्यादा ही हो सकता है चलिए इधर अदनान साहब से ना बायो प्लग सिस्टम की फिजिबिलिटी चेक करते हैं नहीं कपड़े नहीं करो मैं रे स्कूल दाखिल हो गए आज मेरो ना पीनो और मैं पट्टो पड़ करना सही पता है जी जी जे सिर्फ अंडे तू बच्चा पैदा कर दे रहे उना सिर्फ कितने इनक्यूबेटर लाया एक होता है करना एक होता है सेक के करना बारिश शुरू हो गई हाथ मारो थोड़ा जी ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ना जी ये गैंग के दो सदस्य जो है ना आज इन्होंने हलाल कर लिए और उनकी कढ़ाई बना रहे हैं मौसम अच्छा था और हम तो जनाब निकल आए ज़रा आवारा गर्दी पे तो आवारा गर्दी से वापसी पे होगा फिर आराम और सुबह दोबारा होगी इंशाल्लाह मुलाकात अल्लाह हाफिज़